ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी है दो लाइन के बीच में स्पेस को सेट करने के लिए यूज होती है तो इस काम के लिए यूज होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डिस्प्लेस दूजन टैक्स नॉर्मल इटैलिक और ऑब्लिक तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट को नॉर्मल इटैलिक या फिर ऑब्लिक में डिस्प्ले करती है तो इसका आंसर हो जाएगा Or capitalize the first letter of each word. So, कौन सी प्रॉपर्टी जो है टैक्स को अपर केस लोअर केस या किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करने के लिए यूज होती है तो so, इसका आंसर हो जाएगा टैक्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ओकेश्चन इन डैश मैथड स्टाइल डिक्लेन इज गिवेन विद ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट तो कौन से मेथड में जो हम सी एस एस स्टाइल को हर एक एलिमेंट में डिक्लेयर करते हैं मतलब कौन सा मैथड ऐसा है जिसमें कि हमें सी एस एस की स्टाइल को हर एक एलिमेंट में डिफाइन करना पड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा एल नाइन ठीक है एल नाइन जो मैथड होता है सी एस एस को डिफाइन करने का उसमें हमें हर एक एलिमेंट में सी एस एस को डिफाइन करना पड़ता है मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट को लगाना पड़ता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश इज द डिस्टेंस

वो स्पेसिफाई करती है स्पेस को टू वर्ड्स के बीच में तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स क्योंकि इसका काम ये नहीं होता है इसके लिए होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी ओके अब देखते हैं नेक्स्ट रूफॉल्स को सो नेक्स्ट टू रूफॉर्स वी हैव इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई मार्जिन इंडिविजुअल फॉर इज साइड तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर साइड के लिए मार्जिन को इंडिविजुअली सेट कर पाएं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम इंडिविजुअली मार्जिन को सेट कर सकते हैं हर साइड के लिए ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की वो रेज होती है टेक्स ऑफ द वेब पेज तो सी एस एस हमें प्रोवाइड करती है फॉर्मेटिंग ऑप्शन को जैसे कि जो टैक्स है पेज के, उनको फॉर्मेट किया जा सके तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है

कैपिटल में डिस्प्ले किया है तो इस काम के लिए उसने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया होगा वो आपको बताना है ओके okay. तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ओके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से उसने इस काम को किया है ठीक है यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखा है आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेना टैक्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिख लेना ओके okay. अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू टू अप्लाई इफेक्ट द हेडिंग ऑफ हर वेब पेज प्रॉपर्टी शुड सी यूज टू द सेम मतलब रिमी जो है वो अपने वेब पेज पे जो उसकी हेडिंग है उस पर सैड इफेक्ट को अप्लाई करना चाहती है तो इस काम के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेगी ओके okay. तो इस काम के लिए वो यूज करेगी टेक्स सैडो प्रॉपर्टी ओके okay. तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन में क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन में क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या देखिए रजत वॉन्ट्स टू असाइन ग्रीन कलर टू अ पैराग्राफ राइट द कोड दैट विल हेल्प हिम टू कंप्लीटिंग द टास्क तो रजत जो है वो अपने पैराग्राफ पे ग्रीन कलर को अप्लाई करना चाहता है तो इस काम के लिए आपको कोड बताना है वो किस तरीके से कोड को लिखेगा ओके okay. तो इस काम के लिए वो यूज करेगा कलर प्रॉपर्टी को और कोड किस तरीके से लिखेगा देखिए यहाँ पे पी स्टाइल और यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लगाएगा उसके बाद में कलर का नेम दे देगा ओके okay. तो इस तरीके से वो कोड को लिख देगा तो उसका कलर अप्लाई हो जाएगा पैराग्राफ पे ओके तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब कंप्लीट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी है कौन सी जो है फोन साइज की वैल्यू नहीं होती है ठीक है तो पहला ऑप्शन है डबल एक्सर लार्ज सेकंड है स्मॉलर एंड थर्ड है थ्री एक्स ठीक है तो इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं होती है फोन साइज की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी थ्री एक्स ओके ये हमारी वैल्यू नहीं होती है फोन साइज की नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट कोड है पहला है बॉडर स्टाइल कॉलन डबल साइड ठीक है तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि डबल साइड कोई वैल्यू नहीं होती है बॉर्डर की नेक्स्ट है बॉर्डर स्टाइल कॉलन सिंगल साइड तो ये भी गलत है सिंगल साइड के नाम से कोई भी वैल्यू नहीं होती है थर्ड है बॉर्डर स्टाइल कॉलन इनसेट तो ये हमारा करेक्ट है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बॉर्डर स्टाइल कॉलन इनसेट ना नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट तो इन तीनों में से आपको वो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है जो लाइन्स के बीच में स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है ठीक है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए पहला है यहाँ पे फोन हाइट तो ये नहीं होती है सेकेंड है फोन वेट तो ये भी नहीं होती है एंड थर्ड है लाइन हाइट तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका तो इसका आंसर ये हो जाएगा लाइन हाइट ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू अप्लाई डेकोरेशन टू द टैक्स इन अ ब्लॉक तो कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से टैक्स पे डेकोरेशन को अप्लाई करने के लिए यूज होती है ओके okay. तो पहला ऑप्शन है इसमें कलर सेकेंड है फोन डेकोरेशन एंड थर्ड है टेक्स डेकोरेशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स डेकोरेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी हैज ओवरलाइन एज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवरलाइन होती है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टेक्स डेकोरेशन ठीक है ओवरलाइन जो वैल्यू होती है वो टेक्स डेकोरेशन प्रॉपर्टी की होती है ओके okay. तो आंसर हो जाएगा टेक्स डेकोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द फैमिली ऑफ फोन विच फिनिश स्ट्रोक और पॉइंटेड एंड्स तो इनमें से कौन सी फोन फैमिली में जो फोन होते हैं वो फिनिश स्ट्रोक या फिर पॉइंटेड एंड के साथ में होते हैं ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैर ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई लाइन ब्रेकिंग रूल तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लाइन ब्रेकिंग रूल को स्पेसिफाई करती है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा

तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आगे होंगे तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को जो कि हमारा ई e पार्ट होगा ठीक है आंसर द फॉलोइंग द्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है इस पार्ट में चलिए देखते हैं उनको सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव बिटवीन द प्रॉपर्टीज टैक्स डेकोरेशन एंड टैक्सो ठीक है इन दोनों प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं तो इसके लिए एक साइड आप लिख लेंगे टैक्स डेकोरेशन और एक साइड लिख लेंगे okay. तो पहले बात करते हैं so है? मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी है टैक्स डेकोरेशन इसका यूज करते हैं हम टैक्स को डेकोरेट करने के लिए ओके okay. एंड अब बात करते हैं टैक्स प्रॉपर्टी की टैक्स प्रॉपर्टी द दराउंड मतलब क्या है ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम टेक्स्ट में शेडो अप्लाई करने के लिए ओके okay. और ये जो फीचर है हो सकता है सारे ब्राउजर सपोर्ट ना करें अब देख लेते हैं आप लिखेंगे, उसके में लिखेंगे को कैसे है? इसमें आप टैक्स शेडो लिखेंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आई होप आप को समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

एस टी एम एल के डॉक्यूमेंट का अगर हम मार्जिन सेट करना है तो विद हेल्प ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी हम ये काम कर सकते हैं ओके okay. और इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बाय सेटिंग मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज ठीक है मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करके आप किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं ओके okay. तो इसको लिखते कैसे हैं देखिए सिंटैक्स है मार्जिन लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे जिस साइड का भी मार्जिन सेट करना है उसके बाद तो में आप वैल्यू दे देंगे ओके okay. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वैल्यूज कैन बी टू द फोन साइज प्रॉपर्टी तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं फोन साइज प्रॉपर्टी को ओके okay. तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर तो ये सारी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं फोन साइज प्रॉपर्टी में कौन कौन सी है देखिए डबल एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज मीडियम स्मॉलर डबल एक्स्ट्रा स्मॉलर परसेंटेज में दे सकते हैं वैल्यू या फिर आप एक्स्ट्रा लार्ज दे सकते हैं लार्जर दे सकते हैं स्मॉल दे सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉलर दे सकते हैं या फिर आप लेंथ को दे सकते हैं ओके सो दीज आर द वैल्यू विच कैन बी असाइन टू अ साइज प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द इनलाइन मेथड ऑफ अप्लाइंग सी एस एस तो इस क्वेश्चन में आपको इनलाइन मेथड के बारे में बताना है जो कि हम सी एस एस को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका सो इनलाइन स्टाइल इज वन ऑफ द मैथड यूज टू अप्लाई सी एस एस ऑन द एलिमेंट ऑफ वेब पेज एंड इन दिस दिसड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवेन इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट तो इनलाइन स्टाइल जो एक मैथड है सीएसएस को अप्लाई करने का ठीक है और इस मेथड में जो है आपको हर एक टैग में मतलब हर जो एलिमेंट होते हैं इंडिविजुअल उसमें आपको स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से सीएसएस को अप्लाई करना पड़ता है ओके okay. तो so, ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉर्डर प्रॉपर्टीज तो इस क्वेश्चन में आपको बॉर्डर प्रॉपर्टीज पे एक शॉर्ट नोट लिखना है ओके okay. तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज हेल्प यू टू सेट स्टाइल बॉर्डर बॉर्डर एंड कलर ऑफ एन एलिमेंट तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बॉर्डर की बिथ को चेंज कर सकते हैं या फिर बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं ओके okay. तो ये सारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं बॉर्डर ब्रिथ है बॉर्डर स्टाइल है बॉर्डर कलर है एंड बॉर्डर ओके तो ये कंप्लीट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग तो इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन सब पे ठीक है टैक्स इंडेंट बर्ड ब्रेक टैक्स ट्रांसफॉर्म लाइन हाइट ठीक है इन चारों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है ठीक है तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले बात करते हैं टैक्स इंडेंट की The text indent property specifies the indentation of the first line of a text. तो इस property का use basically हम text के first line का indent set करने के लिए करते हैं। मतलब जो text होंगे, उसकी जो भी first line होगी, उसका indent आप set करना चाहते हैं, तो आप इस property की help से set करेंगे। Okay। अब बात करते हैं word break की। The word break property specifies line breaking rules। Okay। तो इस property का use basically line breaking rules को specify करने के लिए करते हैं। Okay। अब बात करते हैं टैक्स ट्रांसफॉर्म की सो दिस प्रॉपर्टी टू ट्रांसफॉर्म द टैक्स ऑफ ईच वर्ड मतलब क्या है अगर आपको टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस या फिर जो टेक्स्ट के वर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर अगर आपको कैपिटल में करना है तो उसके लिए यूज उस करते हैं हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ओके अब बात करते हैं लाइन हाइट की

ओके तो पहले मैं वेब पेज दिखा देता हूँ आपको क्या वेब पेज है ठीक है मैंने वेब पेज क्रिएट कर लिया है मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ ठीक है और फिर उसके बाद मैं आपको कोड दिखाऊंगा किस तरीके से उसका कोड होगा ओके तो देखिए रहा हमारा वेब पेज डेस्कटॉप पे इसको ओपन करता हूँ मैं ठीक है इस तरीके से आपका वेब पेज दे रखा है आपकी बुक में और इसके लिए बोला जा रहा है कोड लिखिए ठीक है तो इसके लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कोड इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और कोड को ओपन कर लेता हूँ ठीक है ये मैंने कोड इसके लिए लिखा है ठीक है तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में दे रखा था कि जो टाइटल होगा वेब पेज का वो क्लीन इंडिया मिशन होगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर देखिए टाइटल में क्लीन इंडिया मिशन लिख दिया है ओके इसके बाद में दे रखा था कि आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है ठीक है ये इमेज थी जो कि आपको इंसर्ट करनी है और बोला था इस इमेज का जो नाम है वो इमेज नेम डॉट है ठीक है तो मैंने देखिए यहां पे इमेज को इंसर्ट कर दिया और इमेज इंसर्ट करने के लिए वहां पे कोड दे रखा था किस तरीके से करनी देखिए आई एम जी एस आर सी और इमेज का नाम लिख देंगे ठीक है ये मेरी इमेज डेस्कटॉप पे है ठीक है तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है ठीक है और उसके बाद में सेंटर यहाँ पे एलिमेंट लगा दिया जैसे कि जो इमेज है वो सेंटर में आए इसके बाद बोला गया था कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है विद द हेल्प ऑफ एच आर टैग ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने एच आर टैग की हेल्प से लाइन को प्लेस कर दिया है और बोला गया था इस लाइन का जो कलर होगा वो ग्रे होगा तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे कर दिया है ठीक है और इसकी बेड थर्टी परसेंट कर दिया क्यूँकी लाइन जो है छोटी है ठीक है देन इस हेडिंग को अप्लाई करने के लिए बोला गया है ठीक है तो इस हेडिंग के लिए क्या करा मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया हेडिंग क्लीन इंडिया मिशन ठीक है और इस हेडिंग पे बोला गया था कि इसका अलाइनमेंट जो हो वो सेंटर हो ठीक है तो मैंने सेंटर कर दिया है और इसकी फोन फैमिली जो होगी वो होगी टाइम्स न्यू रोमन ओके थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिख पाए पूरा ही बढ़ा देता हूँ इधर को जिससे कि पूरा दिख पाए आपको ठीक है एंड कलर बोला गया था ग्रीन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे ग्रीन अप्लाई कर दिया मैंने इसके बाद में साइज बोला गया था 200 परसेंट रखने के लिए तो 200 परसेंट रख दिया है एंड टैक्स का केस जो होगा वो अपर केस में होंगे सारे टैक्स तो यहाँ पे टैक्स ट्रांसफॉर्म में मैंने अपर केस दे दिया है ओके तो ये पूरा कोड है यहाँ से यहाँ तक ये यह हो गया हमारा क्लीन इंडिया मिशन के लिए इस वाली हेडिंग के लिए ओके इसके बाद में वहाँ पर पे कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं उन पैराग्राफ को लिखा है यहाँ पे देखिए तो पहला पैराग्राफ जो है उसका कलर जो था वो ऑरेंज था तो मैंने ऑरेंज कर दिया है और इस पैराग्राफ के टैक्स जो थे वो अपर केस में थे तो यहाँ पे केस लगा दिया है ठीक है इसके बाद सेकंड पैराग्राफ था और सेकंड पैराग्राफ में जो कलर था वो रेड था तो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है ठीक है एंड देन थर्ड पैराग्राफ था और थर्ड पैराग्राफ में देखिए जो कलर था वो ब्लू था टेक्स्ट का ठीक है और जो टेक्स्ट थे इस पैराग्राफ के वो कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर कैपिटल लाइन थी तो उसके लिए हाइट एंड कलर जो था उसका ऑरेंज था तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लगा दिया है मैंने तो इस तरीके से सारी फॉर्मेटिंग मैंने यहा पे अप्लाई कर दी है ओके तो फाइनली इस कोड से हमारा ये वेब पेज क्रिएट हो गया ओके तो आप लोग भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो इस कोड को लिख लेना ठीक है ये कोड मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ आपके सामने आप इसको नोट डाउन कर लेना ओके okay. तो स्टूडेंट अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है जो चैप्टर नंबर एट है ये आपका कंप्लीट हो गया है जितनी भी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ आगे होंगे अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट कर देना मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर नाइन सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग